पर भाई देख लो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। पहली तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है भाई। ये देखो ये महिंद्रा का है KUV100, ये ख़त्म है पूरा। और ये जिप का है भाई गाड़ी, और ये रहा फॉर्चूनर भाई। ये देखो ये फॉर्चूनर है, ये फॉर्चूनर भी ख़त्म हो गया। तो भाई गार्ड भैया को दिया बात करने के लिए, भैया ने मोबाइल बंद कर दिया ये बटन दबा के। भाई देखो अभी जो है एक राइड कैंसिल हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज जो है मैं निकला हूँ 10 बजे, और मैंने सारा आईडी भाई चालू कर दिया था, पोर्टर वगैरह, पोर्टर, ऊबर, रैपिडो, ये सभी चालू कर दिया था, लेकिन भाई ऑर्डर ही नहीं बज रहे थे। तो मैंने भाई मेरे हेलमेट का जो है शीशा टूट गया था, शीशा टूटा नहीं था, यानी भाई उसका जो साइड से जो लगा हुआ होता है ना वही निकल गया था पूरा, आप देख सकते हो वीडियो में। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने शीशा लगवाया इसमें सबसे पहले जाके, ऑनलाइन आया, फिर ऑर्डर बज नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि भाई पहले शीशा लगवा लेता हूँ, वरना वीडियो भाई बन नहीं पाएगी। शीशा नहीं रहेगा तो फिर वीडियो, अगर सही से शीशा लगा नहीं रहेगा तो वीडियो में नॉइज आएगा, ज़्यादा हवा आएगा। तो शीशा बंद होता है ना तो हवा थोड़ा सा कम आता है, जैसे अब ये स्पीड में अगर चलूँगा तो हवा कम आएगा। तो इस वजह से जो है मैंने पहले शीशा लगवाया, और शीशा लगवाया भाई साहब मैंने इस बार ब्लैक वाला। मैं हमेशा ही वाइट शीशा लगवाता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि भाई ब्लैक वाला लगवा के देखता हूँ। जब मैं वाइजर बंद कर रहा हूँ तो भाई एकदम ही मौसम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, यानी कोई धूप वगैरह नहीं ज़्यादा, लेकिन अभी वीडियो में देख सकते हो अब धूप है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भाई धूप पता ही नहीं चल रहा कि धूप है। इसमें तो एकदम बढ़िया सा मौसम दिख रहा है, सुहाना सुहाना मौसम। तो ये एक्सपीरियंस है ब्लैक शीशे का। और भाई उसके बाद जो है मैंने सोचा मैं अपना वो भी चेंज करवा लेता हूँ, मेरे मोबाइल का टेम्पर भी टूटा हुआ है तो वो चेंज करवाना ही मैं भूल गया। तो उसके बाद जो है मैं M2K पर था, तो भाई ऑर्डर नहीं बजे, एक घंटा मैं रुका कम से कम M2K पे। फिर मैं वहाँ से निकल गया मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, और मंगोलपुरी में भी आधे घंटे वेट करने के बाद जो है मुझे ऑर्डर मिला भाई, करीब 12 बजे के आसपास मुझे ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर है वसंत कुंज का, वसंत कुंज का भाई साहब ये ऑर्डर 316 रुपये का ये ऑर्डर है, जिसमें 20 रुपये ऑनलाइन पेड है, और कस्टमर से मुझे लेने हैं 296 रुपये। तो लगभग जो है मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं, 2 किलोमीटर और रह रहा है, और ये फार्म है, कोई फार्म में देना है। तो चलिए देते हैं इस ऑर्डर को, फिर देखता हूं भाई वसंत कुंज से कुछ मिलता है पोर्टर में, या फिर मुझे ऊबर या रैपिडो चालू करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पोर्टर का चांस लग नहीं रहा है मुझे कि पोर्टर बजेगा। तो भाई मैं पहुँच तो गया हूँ, ये ग्रीन एवेन्यू लेन है, और ये लिफाफा एक छोटा सा ये देना भाई, ये लिफाफा आपको दिख रहा है, ये लिफाफा ही देना है सिर्फ। और भाई लोकेशन कस्टमर ने बोला था कि गलत है, तो आप देख लेना 21 नंबर है। तो अभी देख लो ये 4 नंबर ये है ग्रीन एवेन्यू लेन का, 21 नंबर में देना है, यस फार्म के नाम से है, तो इसी रोड पे ही पड़ेगा मुझे लग रहा है 21 नंबर। वैसे भी मुझे देखते हुए जाना पड़ेगा और नंबर काउंट करते हुए जाना पड़ेगा। जैसे स्प्रिंग लेन, ये है स्प्रिंग लेन भाई। तो भाई ये देखो ये है 19 नंबर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई लोकेशन करेक्ट है, लोकेशन देख लो आप यहीं पे दिखा रहा है, और ये हो सकता है ये 22 नंबर है, तो इसके सामने ये 21 नंबर। ये देखो भाई लोकेशन पूरा परफेक्ट है, और 21 नंबर यही है, देखो 21 नंबर ग्रीन एवेन्यू और यस फार्म। तो यहीं पर मैं कस्टमर को करता हूँ फ़ोन, अब बंदी कर दिया सीधा है, बटन दबा दिए है, पूरा बंद हो गया मोबाइल है। पैसे देखता हूँ, बोला है वो देंगे जिसने भेजा है ना, अगर कोई दिक्कत होता है फिर मैं बता दूंगा, यहीं पर हो ना। तो भाई गार्ड भैया को दिया बात करने के लिए, भैया ने मोबाइल बंद कर दिया ये बटन दबा के। तो अब ये चालू होता है मोबाइल, उसके बाद देखते हैं हम भैया कितना पैसे आ रहे हैं। तो भाई पेमेंट आ गया है 296 रुपये, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कैश कलेक्टेड, 5-स्टार रेटिंग, और ये हो गया मेरा ऑर्डर डिलीवर। अब यहाँ पर भाई मैं वेट करता हूँ दूसरे ऑर्डर का, या इस इधर से जो है मुझे जाना पड़ेगा ऊबर पे, देखता हूँ अगर कोई राइड वगैरह बच जाए ऊबर या फिर रैपिडो पे, मैं रैपिडो भी ऑन कर देता हूँ। तो मैं यहीं पर यार वेट करता हूँ थोड़ी देर कहीं साइड में, और उसके बाद बताता हूँ भाई मेरे पास ऑर्डर आया है या फिर नहीं आया, देखते हैं।
सपोर्टर ने मुझे इस ऑर्डर के 253 रुपये दिया है और कमीशन ले लिया भाई साहब इसने। तो भाई यहीं पर मैं था और मेरे पास जो है ऊबर में एक राइड आ गया है भाई, ये है मालवीय नगर का। तो हम रैपिडो को कर देते हैं बंद और यहाँ से चलते हैं भाई, निकलते हैं, नहीं तो ये मैं राइड छोड़ देता, पता नहीं कब मिलता फिर। तो पोर्टर रैपिडो मैंने ऑन कर दिया, ये पास से पिकअप करना है, 14 नंबर से 21 नंबर पर मैं हूँ भाई और 14 नंबर से ये पिक करना है। तो चलिए चलते हैं पिकअप करने। और ये देखो 170 मीटर है बिल्कुल सिर्फ। राज लक्ष्मी जी को चलते हैं पिकअप करने, राज लक्ष्मी नाम है इनका। और ये आ गया मैं भाई लोकेशन पे, भाई 14 नंबर यही है और कस्टमर अंदर में है, तो मैं फ़ोन करता हूँ उसको, मैसेज डालता हूँ। भाई कस्टमर ने मैसेज किया, कह रहा है 3 मिनट रुको, बी राइट देयर। ओके मैं वेट करता हूँ 3 मिनट। भाई मैडम ने मैसेज तो किया है आ रही हूँ, लेकिन कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है। देखो 6 मिनट निकल गए भाई साहब ऐसे ही वेट करते करते, पता नहीं यार इतना वेट क्यों करवाते हैं ये लोग, पार्सल में भी इतना वेट नहीं करना पड़ता। मैसेज कर रही है आ रही हूँ, गेट वैसे ही बंद है, देखते हैं कितना देर में आती है। भाई अब आ रही है मैडम, देखो मैंने देख लिया अब गेट खुलेगा। और ये आई मैडम, आ जाइए 1960 जी बैठिए। एल जी मैम चलो। ओके तो भाई मैडम को मैंने छोड़ दिया और कह रही है ऑनलाइन पेड है, देखते हैं यार। हाँ ऑनलाइन पेड है और 5 स्टार दे देते हैं यार। मैडम वैसे बहुत ही ज़्यादा भारी थी, वेट इनका काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैं अभी पोर्टर और ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया है भाई पोर्टर को ऑन, और इस साइड में स्कूटर भी ऑन कर देता हूँ, स्कूटर में भी ऑर्डर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहीं से जो है मुझे मिल गया एक ऑर्डर द्वारका सेक्टर 12 का, ऊबर में मिला है ये ऊबर का पैकेज, और मैं जा रहा हूँ अभी पिकअप करने। पिकअप भी पास से ही करना है, 800 मीटर से पिकअप करना है। तो भाई पोर्टर पे अभी एक ऑर्डर आया था, वो वसंत कुंज लिखा हुआ था, सेक्टर डी वसंत कुंज। अब ये पोर्टर पता नहीं कहाँ का लोकेशन ले लिया मेरा, वहीं का लोकेशन रह गया शायद पोर्टर में, तो वहीं बजाता वहाँ से ग्रेटर कैलाश का, 100 कुछ रुपये का था, उसके बाद से नहीं बजा ऑर्डर। तो ये ऊबर में आ गया, तो मैंने जो है ऊबर में ही एक्सेप्ट कर लिया। ये भाई सेक्टर 12 द्वारका का है, और वहाँ से फिर पोर्टर भी मिल ही जाएगा, नहीं तो भाई राइड करके निकल लूँगा मैं। रुकना नहीं है, बस काम करते रहना भैया, वेट नहीं करना कहीं भी। मैंने अब ये देख लिया बहुत ज़्यादा मैं वेट कर करके जो है, तो पहले मैं इस ऑर्डर को पिकअप करता हूँ, उसके बाद और दिखाता हूँ क्या सामान है भैया और कितने किलोमीटर का रूट दिखा रहे हैं, देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पे, और यहाँ हेलो ये सामने हूँ गेट के सामने। हाँ हाँ देख लिया आपको, तो यहाँ से जो है मुझे पिकअप करना है, देखता हूँ क्या सामान दे रहे हैं। तो दोस्तों ऊबर का ये जो है ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, ये है और एक छोटा सा भाई बैग में रखा हुआ है मेरे। और रूट देख लो भाई, ये है द्वारका सेक्टर 12, और रूट दिखा रहा है भाई इसका 22 किलोमीटर का। तो फटाफट से हम चलते हैं, 1.5 घंटा यानी 45 मिनट के आसपास लगेगा मुझे पहुँचने में, तो 1 घंटा आप मान लो। और फिर भाई द्वारका पहुँच के देखता हूँ ऑर्डर मिलेगा, पोर्टर बजेगा या फिर नहीं बजेगा, या फिर ऊबर ही लेके राइड लेके आना पड़ेगा, जो भी हो भैया। राइड अगर बजेगा तो राइड लेके आ जाऊँगा, और पोर्टर वगैरह बजेगा तो पोर्टर लेके आ जाऊँगा। वैसे 10 के आसपास मार्केट है, तो वहाँ से पोर्टर बज जाता है। चल के देखते हैं भाई पोर्टर बजेगा या फिर नहीं बजेगा। यहाँ पर मुझे तो ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, यहाँ भी 10 मिनट मैंने मुश्किल से वेट किया है, और मुझे ऊबर में ये पैकेज का ऑर्डर मिल गया। और वसंत कुंज में भी मैंने 10 मिनट के आसपास ही वेट किया, मुझे राइड मिल गया था ऊबर में। तो ऊबर भाई साहब निकाल देता है यार कहीं से भी। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ मैं द्वारका में सेक्टर 12 में, और फिर देखता हूँ भाई वहाँ से क्या मिलता है मुझे। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, ये कनक दुर्गा अपार्टमेंट है, प्लॉट नंबर 26 सेक्टर 12। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ भाई अब कस्टमर को फ़ोन,
ये आप देख सकते हो कनक दुर्गा। तो भाई ऐसा ही कस्टमर हमेशा मिले। मैंने अभी कस्टमर को फ़ोन किया है, मैडम है, तो मैंने उनको बताया कि कनक दुर्गा अपार्टमेंट के गेट पे हूँ मैं, तो कह रही है वहीं पे रुको मैं 2 मिनट में आ रही हूँ बस। तो भाई ऐसा कस्टमर ही मिले तो बढ़िया रहता है, नहीं तो फिर हम कि बोलती ऊपर आ जाओ, अंदर आ जाओ, फिर ऊपर आ जाओ, तो यहाँ बाइक लगाओ, एंट्री करवाओ, फिर सामान खोलो ले जाओ। जब तक मैं भाई सामान खोल लेता हूँ, और ये देखो एक ये है और एक भाई मेरे बैग में पड़ा हुआ है, तो जब तक मैं पोर्टर चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ भी मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और ये ऑर्डर जो है मुझे भाई मिल चुका है। छोटे छोटे ऑर्डर मिल रहे हैं और करने में भी मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये ऑर्डर मुझे मिला है, इस ऑफिस से जो है मैंने पिकअप किया है इस ऑर्डर को, और ये है अशोक विहार फेस वन का। तो दोस्तों अशोक विहार फेस वन का जो है ये ऑर्डर है भाई ऊबर में मिला है मुझे, और ऊबर में मैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट में रुका था जहाँ पे मैं डिलीवर किया उसके बगल में। और यहाँ देखो भाई ये ब्लिंकिट का हब है, स्टोर है, और उसके बाद ही जो है दोस्तों मुझे 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद ही मुझे ये वाला ऑर्डर दिखा, आया मेरे एप्लीकेशन में। तो भाई मैं इस ऑर्डर को जो है फटाफट से एक्सेप्ट किया, अशोक विहार फेस वन का ऑर्डर। और इसका रूट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कितना किलोमीटर का इसका रूट दिखा रहा है। तो 22 किलोमीटर का जो है इसका रूट दिखा रहा है, 1 घंटा 6 मिनट बता रहा है कि हमें पहुँचने में लगेगा। तो वहाँ पर देखते हैं भाई फिर अशोक विहार फेस वन से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जाते जाते टाइम हो जाएगा 5:30 के करीब। तो नहीं मिलेगा तो भाई वहाँ से मैं घर आ जाऊँगा, 6 से 7 किलोमीटर वहाँ से मेरा घर है। और अगर कुछ मिल गया वहाँ से बढ़िया एरिए का ऑर्डर कोई ऊबर में चाहे पोर्टर में, तो वो भी मैं ले लूँगा। तो भाई साहब पोर्टर तो द्वारका में मुश्किल ही है, बसता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर बसता है। और ऊबर तो भाई साहब यहाँ पे बच गया, यहाँ से निकाल दिया, मुझे कई बार निकाला है भाई साहब द्वारका से, मुझे ऊबर ने कई बार निकाला है। और ऊबर हर जगह से मतलब ऐसा ही है कि एक ऑर्डर अगर आप इसका ले लोगे ना सुबह सुबह कोई भी, उसे अगर आप डिलीवर कर दोगे ना, तो भाई साहब वो पूरे दिन आपको ऑर्डर देता रहेगा। और 15-20 मिनट में रुका था करीब दोस्तों, लेकिन 15-20 मिनट में पोर्टर का एक भी ऑर्डर नहीं आया। और ऊबर ये बज गया 8 से 9 राइड बजी, उसके बाद जो है ये पैकेज का बज गया। तो चलिए दोस्तों इस ऑर्डर को मैं करता हूँ डिलीवर अशोक विहार फेस वन में, फिर देखता हूँ भाई वहाँ से कुछ मिलता है या फिर मुझे खाली ही जाना पड़ेगा घर। तो भाई अभी मैं हूँ शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पास में, और भाई देख लो यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कितने गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। अभी मैं घूम के और दिखा देता हूँ, जाम लगा हुआ है भाई साहब एक नंबर। और अभी जो है मैं यहाँ से यू टर्न लेके मुझे उधर ही जाना ही है, आप मैप देख सकते हो, तो मैं अभी आपको यू टर्न लेके और दिखा देता हूँ। भाई देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम जो है यहाँ पर लगा हुआ है एक्सीडेंट के चक्कर में, और 3 से 4 गाड़ी जो है ठूका है। कितना गाड़ी ठूका मैंने 3 से 4 ही देखा है अभी तक, लेकिन आपस में कितना गाड़ी ठूका है भाई वो नहीं पता। एक्सीडेंट के चक्कर में देख लो अब कितना लंबा जाम जो है यहाँ लग गया है, यहीं पर हो रखा है एक्सीडेंट। ये देखो भाई कितने गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, देखते हैं भाई। ये देखो गाड़ियों के पार्ट्स देखो, पहली तो ये गाड़ी भाई बिल्कुल भी ख़त्म है, XUV KUV 100 है ये गाड़ी, पीछे से भाई पूरा ख़त्म है। और ये भाई जिप का ये भी ख़त्म है भाई, ये देखो ये महिंद्रा का है KUV 100 ये ख़त्म है पूरा, और ये जिप का है भाई गाड़ी, और ये रहा फॉर्च्यूनर भाई, ये देखो ये फॉर्च्यूनर है, ये फॉर्च्यूनर भी ख़त्म हो गया, मतलब तो आगे से ये पूरा ख़त्म हो गया फॉर्च्यूनर। और ये देखो भाई ये गाड़ी भी गया है। यहाँ पे भाई पुलिस वाले और ट्रैफिक वाले सारे आ चुके हैं और भाई भगा दिया, मैं भी रोड पे ही था चलते चलते ही मैं भी रुक गया था थोड़ा, तो मुझे भी भगा दिया भाई, क्या पीछे से ट्रैफिक जाम है पूरा, रुकने नहीं दे रहा किसी भी गाड़ी वाले को। बाकी उधर से वापसी में आके और यार अगर यहाँ पे रहेगा गाड़ी वगैरह तो मैं दिखाऊंगा भाई साहब कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है। भाई साहब गाड़ी तो एक्सीडेंट ऐसे होती रहती है, लेकिन यार ऐसे चलाते क्यों जो भाई एक्सीडेंट हो जाए। जो भाई फॉर्च्यूनर है वो पूरा पटरी पे चढ़ा हुआ है,
फॉर्चूनर भी पटरी पे चढ़ा हुआ है, और जो जिप वाला था इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर वो भी भाई पटरी पे ही चढ़ा हुआ था, और बाकी एक महिंद्रा का था वो तो यार क्या बताऊँ, उसका तो पूरा पीछे से पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये ओवर स्पीडिंग के वजह से ही हुआ होगा भाई साहब, ओवर स्पीडिंग या फिर रॉन्ग साइड जा रहा होगा तो इसी वजह से ही हुआ होगा। ओवर स्पीडिंग भाई करते ही हैं, इसी वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होता है। इसमें नहीं पता कि क्या हुआ है, तीन गाड़ी एक का एक ठुका भाई, तीन गाड़ी। और ये भाई नंदन अपार्टमेंट्स है, तो यहीं पर जो है देना है सामान। मैं देख ले एक बार कस्टमर को फ़ोन करता हूँ। वो अच्छा ठीक है, हाँ जी सर अंदर जा रहा हूँ, अभी बता तो दिया उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ और सामने उस बिल्डिंग में देना है मकान में, तो चलते हैं और देता हूँ मैं ऑर्डर यहाँ पे और फिर बताता हूँ आपको भाई अर्निंग। ये है भैया 42 नंबर, 42 नंबर में देना है, बोले किसी भी फ्लोर पे दे दो सब अपना ही है, तो फटाफट से देता हूँ यहाँ। तो दोस्तों अंदर मैंने सामान दे दिया और यहाँ पर जो है मैं इसे डिलीवर करता हूँ, बोले ऑनलाइन पेड़ता हूँ, और देखते हैं भाई कितना रुपये जो है ऊबर मुझे देता है। करीब 22 या 24 किलोमीटर का ट्रिप था ये, तो कितना रुपए देता है ऊबर मुझे इस ट्रिप का वो देखता हूँ भाई। 205 रुपये अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब 451 रुपये अर्निंग हुआ है, 205 रुपये जिसमें से ऊबर ने दिया है मुझे इस ट्रिप का। और भाई बारिश आने वाला है और बूंद गिर भी रहा है, बारिश आने वाला है, तो देखता हूँ मैं भाई थोड़ी देर ऑर्डर बजेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं निकल जाऊँगा भाई यहाँ से। बूंदे पड़ रही है दोस्तों, अगर बारिश होने लगा तो फिर कैमरा मुझे अंदर डालना पड़ेगा या फिर वाटरप्रूफ केसिंग में लगाना पड़ेगा कैमरा। और ये मैं अभी जस्ट अंडर पास के बगल में हूँ, और इसके उस साइड में भाई साहब एक्सीडेंट हो रखा है बहुत तगड़ा वाला। तो भाई देख सकते हो गाड़ी अभी भी यहीं है, एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस ले गए सबको, और यहाँ पर देख लो आप अभी भी भीड़ लगाई हुआ है भाई। और एक और गाड़ी है भाई, एक और, यानी चार गाड़ी का साथ हुआ था, चार गाड़ी का एक एक एक्सीडेंट हुआ भाई। एक ये वाला भी था तभी खड़ा, लेकिन ये इस वाले पे मैंने नोटिस नहीं किया। देख लो आप कहाँ पर लगा हुआ है, देखो वो डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, वो डिवाइडर पर चढ़ी हुई है, और इसमें भी साइड में लगा हुआ है भाई। अब कैसे हुआ है ये तो नहीं पता, ये यहाँ पर अगर उतर मैं बाइक खड़ी करके जाऊँ पूछने तभी पता चलेगा कि भाई हुआ कैसे एक्सीडेंट। भाई देखो अभी जो है एक राइड कैंसिल हुआ है, ये भाई मैंने उठाया ऊबर पे सेक्टर 14 रोहिणी प्रशांत बिहार का, और इस बंदे ने कैंसिल कर दिया। देखो पिकअप कहाँ से करना था, ये देखो भाई केशवपुरम से पिकअप करना था। ये देखो भाई दूसरी गाड़ी, ये देखो जो इस साइड में लगी थी वो गाड़ी टो करके ले जा रहे, एक ले गया है, दो गाड़ी अभी और बचा हुआ है, एक फॉर्चूनर एक महिंद्रा KUV 100। और भाई अच्छा खासा वो जो राइड था वो निकल गया हाथ से, मैं भाई घर पहुंच गया रहा था इस टाइम, और मैं 20 मिनट से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, एक अंकल जी आ गए थे तो उनसे जो है बातचीत कर रहा था। तो अब अर्निंग जो है अब देख लो, 451 इसमें हुआ है ऊबर में, 253 पोर्टर में हुआ है, तो टोटल हो जाता है 700 रुपये। तो 700 रुपये में से अब पेट्रोल हटा दो 150 रुपये की, 550 रुपये अर्निंग मेरा बचता है। और भाई कल भी ऐसे ही इतना ही अर्निंग हुआ था, आज भी इतना ही अर्निंग हुआ है। बाकी ये है कि मुझे भाई 2 घंटे बाद ट्रिप मिला सुबह में, 12 बजे मुझे ट्रिप जाकर मिला, अगर सुबह से मिल जाता ट्रिप तो और भी ज़्यादा अर्निंग हो सकता था। और इस टाइम अगर मैं कहीं बाहर के साइड रहता और घर के साइड का ट्रिप मिल जाता तो और काफ़ी अच्छा अर्निंग हो सकता था। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि यहाँ से भाई कुछ भी मिल नहीं रहा है, और एक राइड बजा भी था तो वो एक्सेप्ट करते ही कैंसिल कर दिया कस्टमर ने। तो भाई 6 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर, तो 6 किलोमीटर खाली ही चला जाता हूँ मैं, और 6 किलोमीटर का ये जो खाली जा रहा हूँ ये भी जोड़ के मैंने आपको पेट्रोल बताया था 150 रुपये का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।